आप सभी फ्रेंड्स का मैं हार्दिक स्वागत करता हूं वीजा गाइड यूट्यूब चैनल पे। फ्रेंड्स आज हम आपसे बात करेंगे मलेशिया का जो वीज़ा है उसको आप कैसे चेक कर सकते हैं। काफ़ी सारे सब्सक्राइबर्स ने मुझे ईमेल किया था, काफ़ी सारे सब्सक्राइबर्स ने कमेंट किया और मैसेज भी किया कि मलेशिया का वीज़ा कैसे चेक करें, क्योंकि काफ़ी सारे सब्सक्राइबर्स ऐसे हैं, काफ़ी सारे लोग ऐसे हैं जो मलेशिया का वीज़ा खुद अप्लीकेशन नहीं करते। अप्लीकेशन आप खुद कर सकते हो, ई वीज़ा के लिए आप अप्लीकेशन कर सकते हो, मलेशिया ई वीज़ा दे रहा है और आप ई वीज़ा के लिए अप्लीकेशन कर सकते हैं। बहुत ही सिंपल प्रोसेस है, बहुत ही कम डॉक्यूमेंट्स लगेंगे अगर आप मलेशिया का जो ई वीज़ा है आप अप्लीकेशन करेंगे। लेकिन अगर आप नहीं कर पा रहे तो कोई बात नहीं, आप किसी एजेंट का सहारा ले सकते हैं, किसी एजेंट के ज़रिए आप अपना जो ई वीज़ा अप्लीकेशन करा सकते हैं। लेकिन ई वीज़ा मिलने पर आप चेक कैसे करेंगे इसके बारे में आज मैं आपको गाइड करूँगा और आपको बताऊँगा कि आप मलेशिया का जो ई वीज़ा है उसको आप कैसे देख सकते हैं कि ये जेन्युइन है, ओरिजिनल है, फेक तो नहीं है। उसके लिए सबसे पहले आपको मलेशिया की जो ऑफिशियल वेबसाइट है सामने फ्लैश हो रहा है malaysiavisa.imi.government.my, इस पर आपको जाना है, इस पर आपको क्लिक करना है। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, यहाँ पर साइट में लिखा है चेक ई वीज़ा ENTRI अथॉरिटी। तो आपको अपना जो ई वीज़ा है उसको यहाँ पर चेक करना है। सबसे पहले आपको सिंपली जाना है चेक ई वीज़ा पे, आपको क्लिक कर देना है और आप जब चेक इसमें आपको लॉगिन आईडी वाइडी बनाई जरूरत नहीं है, उसके बाद आपको चेक ई वीज़ा पे आपको चेक क्लिक कर देना है। तो बहुत ही हमेशा आपको वीज़ा चेक करना है, तो ये ऑफिशियल वेबसाइट है और यहीं पर आपको वीज़ा चेक करना है। तो यहाँ पर मैंने चेक कर दिया, यहाँ पर आपको अपना पासपोर्ट नंबर डालना है, स्टिकर नंबर डालना है। मैं अभी आपको आगे वीडियो में बताऊँगा कि स्टिकर नंबर क्या होता है। तो पहला आपका हो गया पासपोर्ट नंबर, दूसरा आपका हो गया स्टिकर नंबर। उसके बाद अब ये एक वीज़ा की कॉपी है मेरे पास और मैं आपको यहाँ से स्टिकर नंबर मैंने कॉपी कर लिया और ये मैं यहाँ पर मैंने ऐड कर दिया। अब यहाँ पर मैंने स्टिकर वीज़ा कॉपी किया, आप देख सकते हो ये साइड में जो आपको दिख रहा है ये स्टिकर वीज़ा है और इसको मैंने चेक करके डाल दिया। आप देखिए ये ई वीज़ा है, ये अप्रूव्ड हो गया, यहाँ से मैंने चेक कर लिया और बहुत ही सिंपल है, बहुत ही आसान है। तो इस तरीके से आप भी चेक कर सकते हो। देखिए ये जो मेरे सामने जो वीज़ा खुल के आ गया है ये अप्रूव्ड हो चुका है और मैंने पासपोर्ट नंबर और ई वीज़ा नंबर हाइड करके रखा है क्योंकि ये नहीं दिखाना चाहिए। तो आप देख सकते हैं कि एप्लीकेशन स्टेटस अप्रूव्ड है, वीज़ा वैलिडिटी इतना है और वीज़ा स्टेटस जो है वो एक्सपायर हो चुका है। तो फ्रेंड्स इस तरीके से आपको मलेशिया की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना है, वहाँ पर अपना पासपोर्ट नंबर डालना है, स्टिकर वीज़ा नंबर जो आपका साइड में जो रहता है मैंने आपको दिखाया कौन सा वो आपको डालना है और उसके बाद ये आप जब डालोगे स्टिकर नंबर डालोगे, पासपोर्ट नंबर डालोगे, फिर कैप्चा है, कैप्चा आप उसके अंदर डाल दोगे, उसके बाद आप चेक पे क्लिक कर दोगे, आपका वीज़ा चेक हो जाएगा। तो फ्रेंड्स अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी लेटेस्ट अपडेट के साथ में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, धन्यवाद, थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए।